This conference will now be recorded. आज हमारी इस ऑनलाइन डेमो क्लास में हम आप लोगों के साथ कुछ मिसलेनियस चीजों पे डिस्कस करने वाले हैं, मिसलेनियस फॉर्मूले पे डिस्कस करने वाले हैं। जैसे कि छोटे छोटे फॉर्मूले हैं लेकिन हमें काफी ज्यादा यूजफुल होते हैं और उसकी काफी हमें कभी प्रॉब्लम होती है उससे, उसी चीजों पर हम आज आपके साथ डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं फॉर्मूले में कि अगर मुझे दो नाम को आपस में ज्वाइन करना होता है, सुजीत हो गया और यहाँ पे हमारे पास कुमार, मुझे इनको ज्वाइन करना है, तो इसके लिए हमारे पास दो तीन तरीके। पहला है हमारा कॉनकैटेनेट का फॉर्मूला, जो कि आप लोग इसके बारे में जानते हैं। आपने इसको सिलेक्ट किया और इसमें सेपरेशन दे दिया, स्पेस से जो भी सेपरेशन, और दूसरे टेक्स्ट को दे दिया, तो इसकी मदद से आप कर सकते हैं। लेकिन एक और तरीका है, वो है हमारे पास कि आप इनको आपस में ज्वाइन कर सकते हैं एंड पर्सन का सैंपल इस तरह से। विराज जी प्लीज म्यूट कर दीजिए, आपके बैकग्राउंड से तो शोर आ रहा है। जब कुछ पूछना होगा तो म्यूट करके पूछ लीजिए, माइक पे क्लिक कर दीजिए ना जो माइक। चलिए, दूसरा तरीका आपके सामने है, इससे कर सकते हैं। अब इसमें हम दो चीज, दो प्रॉब्लम होती है, जैसे कि आपके पास कुछ ज्यादा ही नाम है, जैसे कि मैं मंथ ही ले लेता हूं, मंथ को ड्रैग कर देता हूं। अब मुझे इन सब को कॉमा के साथ सेपरेट करके, इन सब को कॉन्केट करके एक सेल पे लाना है, तो कॉन्केट फॉर्मूला अगर आप लगाते हैं, कॉन्केटेनेट फॉर्मूला अगर आप लगाते हैं, तो कॉन्केटेनेट फॉर्मूले में आपको एक एक करके सिलेक्ट करना होगा, आप एक साथ सिलेक्शन नहीं कर सकते हैं, एक दिक्कत है। आपके पास अगर 50-60 नाम है तो दिक्कत हो जाएगी। तो 2019 में किसके लिए फॉर्मूला है कॉन्केट का, अगर 2019 का वर्जन है तो कॉन्केट फॉर्मूला का काम जस्ट कॉन्केटेनेट करने का है, लेकिन क्या करता है, एक साथ रेंज दे सकते हैं, बट इसमें सेपरेशन नहीं है। मतलब मान लीजिए कॉमा के साथ सेपरेट करना है, तो कॉमा के साथ सेपरेशन दिक्कत है। तो हम क्या करेंगे, हमारे पास एक और फॉर्मूला है टेक्स्ट ज्वाइन का, तो टेक्स्ट ज्वाइन फॉर्मूला के मदद से हम यहां पे दे सकते हैं। तो हमने बोला कि भाई कॉमा से सेपरेट करो, फिर दूसरा बोलता है कि इसमें क्या ब्लैंक सेल को इग्नोर करना है, हम बोले हाँ इग्नोर कर दो ब्लैंक सेल। फिर यहां पे आप अपने टेक्स्ट की जो सीरीज है उसको सिलेक्ट कर लीजिए, तो ये आपका एक ही फॉर्मूला से पूरा सेल लिंक कर देगा, जो कि 2016 तक पॉसिबल नहीं था। तो ये जो आपका कॉन्केट फॉर्मूला और टेक्स्ट ज्वाइन का फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला 2019 का फॉर्मूला। अब आप लोग मान लीजिए कि 2007, 10, 13, 16 यूज कर रहे हैं तो आप इस फीचर को नहीं कर सकते, बट आपकी रिक्वायरमेंट है कि मुझे इस तरह से ज्वाइन करना है और आप कॉन्केट कॉन्केटेनेट फॉर्मूला का इस्तेमाल करके मैनुअली एक एक करके नहीं करना चाहते, क्योंकि ये आपको काफी ज्यादा जरूरत पड़ती है और काफी बड़े लेवल पे है, तो कॉन्केट फॉर्मूला से आपको काफी टाइम लगेगा। अब यही पे रिक्वायरमेंट होती है वीवीए माइक्रो प्रोग्रामिंग की, कि हमारे पास प्रॉब्लम है बट सॉल्यूशन अवेलेबल नहीं है एक्सेल के अंदर भी, या सॉल्यूशन है तो काफी ज्यादा लेंथी है। जैसे कि अगर हम कॉन्केट फॉर्मूला और टेक्स्ट ज्वाइन फॉर्मूला को भूल जाए, क्योंकि तो लेटेस्ट 2019 और ऑफिस 65 का ऑप्शन है, तो इसको हम यहाँ पे भूल जाते हैं। तो कैसे करें, क्योंकि 2016 तक तो कोई ऐसा अवेलेबिलिटी नहीं है, तो इसके लिए हम जस्ट विजुअल बेसिक पे जाएंगे, एक नया फॉर्मूला क्रिएट कर लेंगे। कैसे, देखिए हम बोलेंगे फंक्शन, फंक्शन में हमने बोला कि भाई
सेपरेटर एस एज ए फंक्शन, मैं माफ कीजिएगा नाम मेरा भूल गया, फंक्शन हमने बोला ज्वाइन के नाम से, ज्वाइन टी के नाम से, एम एज ए प्लीज म्यूट कर दीजिए, किसी ने अनम्यूट कर दिया है। सुधीर जी आपकी माइक वर्क नहीं कर रही है, प्लीज अनम्यूट मत कीजिए, शोर काफी शोर आने लगता है आपकी आवाज की जगह पे, कुछ प्रॉब्लम है माइक पे। अगली बार में हम माइक को और ले लीजिएगा, अदरवाइज सेल फोन से, जो फोन है ना आपके फोन में प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड करके कर लीजिएगा। तो एस एज ए स्ट्रिंग और उसके बाद हमने बोला कि एन एज ए रेंज, और फिर हमने यहाँ पे एक छोटा सा कोड लिख देता हूं कि फोर इच आर एज ए स्ट्रिंग। अभी कोडिंग क्या है कैसे है ये हम जब कोर्स आपको कराएंगे तो समझाएंगे, अब फिलहाल आप इसकी रिक्वायरमेंट को समझे ताकि आप जान सके कि वीवी होता क्या है। फोर आर इन एम R equal to R and comma n dot van. Next, next. और यहाँ भी आर जी हो जाएगा, यहाँ एन नहीं होगा, यहाँ आर जी होगा, एक नाम के दो वेरिएबल नहीं हो सकते। और फिर यहाँ पे हम करते हैं ज्वाइन टी इक्वल टू, ये फाइनल हमने फॉर्मूला बना लिया, और उसके बाद हमने यहाँ पे ज्वाइन टी नाम का लिया और हमने बोला कि मुझे कॉमा के जरिए इस पूरे को सेपरेट कर, हो गया। तो वीवीए माइक्रो प्रोग्रामिंग हम इसी चीज के लिए इस्तेमाल करते हैं ताकि हम अपनी परफॉर्मेंस को कर सके, कि जो फीचर्स एक्सेल में लेंदी है या अवेलेबल नहीं है उसको हम आसानी से यूज कर सके। तो बिलाल जी समझ में आया आपको? चलिए अब एक चीज और ध्यान रखिएगा, ज्वाइन ही कर रहे हैं ना तो आपके सामने डेट होगा, वैसे मान लीजिए कि मैं 1 जैन और आज की डेट को आपस में ज्वाइन करना चाहता हूं, तो अगर मैंने यहां पे लगाया कॉनकाटेनेट फॉर्मूला या एम्परसेंड का सिंबल दिया है, कोई भी मेथड अपनाया तो इसमें एक दिक्कत होगा। जैसे मैंने यहां पे 2 दे देता हूं कि भाई यहां पे 2 1 जनवरी से लेके 31 जनवरी आज जो है 13 अक्टूबर तक और हमने एंटर प्रेस कर दिया, यहां देखिए 44 क्यों? क्योंकि जो डेट है आपका एक्चुअल में होता नंबर है, यहां पे देखिए एक्चुअल में क्या होता है नंबर होता है। तो जो फॉर्मूला जो डेट की फॉर्मेटिंग होती है आपकी इस नंबर को डेट में कन्वर्ट कर देती है, प्रॉब्लम है। इसका सॉल्यूशन क्या होगा?
तो इसके लिए हम हमारे पास टेक्स्ट फॉर्मूला होता है, तो टेक्स्ट फॉर्मूला लगाएंगे, तो टेक्स्ट फॉर्मूला से हम अपने डेट की जो भी फॉर्मेट चाहिए वो DDMMYY से ला देंगे, और यहां भी हमसे जो भी चाहिए, जैसे मुझे जैन चाहिए तो मैं एम को 3 बार लिख दूंगा तो जैन आ जाएगा, पूरा जनवरी चाहिए तो 4 बार लिख देंगे, और यहां भी सेम फॉर्मूला हम अप्लाई कर देते हैं। तो टेक्स्ट का फॉर्मूला अप्लाई कर दिए तो ये हमारा जो डेट है वो एज ए नंबर नहीं एज ए टेक्स्ट में आया। फिर जो ऊपर वाला कॉन्केट फॉर्मूला है उसी फॉर्मूला को ज्वाइन फॉर्मूला जो है उसको हमने यहाँ पे अप्लाई कर दिया। अब मेरा देखिए इस फॉर्मेट में आ गया। तो ये छोटी छोटी प्रॉब्लम है, इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। और दूसरी चीज, कभी कभी एक चीज और भी होता है, जैसे कि मान लीजिए कि आप डेट लिख रहे हैं और डेट को आपने लिख दिया टेक्स्ट फॉर्मेट इस तरह से, इसको डेट में कन्वर्ट करना है क्योंकि ये 1/1 है, इसको सिस्टम डैश ए नहीं मार रहा है, मतलब कि सिस्टम इसको डेट नहीं मान रहा है, टेक्स्ट मान रहा है, लेकिन आपको टेक्स्ट में कन्वर्ट करना है। बहुत सारे हैं, कैसे करेंगे? उस केस में सिंपल सा, आप डेटा वार में जाएं और टेक्स्ट टू कॉलम को लें और जस्ट फिनिश कर दें, ठीक है? यह इसका शॉर्टकट है Alt D E F, Alt D E F, Alt D फॉर डेटा, E फॉर टेक्स्ट टू कॉलम and F4 finish, इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है? बिलाल अहमद जी, बिलाल अहमद जी, कोई डाउट इसमें? अब क्या है कि मुझे एक बार एक और तरीका का डेट आया था, ये ज्यादातर जो कॉलिंग सॉफ्टवेयर होती है उनसे ये होता है, जैसे कि उन्होंने बोला था, मुझे भेजा था डेट कि उनके पास डेट था, आज की डेट लीजिए, महीना 0 और डेट इस तरह से भेजा था, 2019 1/0 1/3, ये फाइल के नेम बगल थे और इसको एज ए डेट में कन्वर्ट करना था, तो डेट में कन्वर्ट करना था तो इसके लिए हमने क्या किया, टेक्स्ट टू कॉलन में गया, नेक्स्ट नेक्स्ट, यहां पे मैंने YMD कर दिया एंड फिनिश, ये आपका डेट बन गया। लेकिन अब एक दिक्कत और भी थी, उन्होंने बोला कि मुझे फॉर्मूले से करना है क्योंकि मुझे बार बार ये आते रहता है, तो हर बार मैं चेंज करना नहीं चाहता, तो उसके लिए फिर हम सेपरेशन का फॉर्मूला अपनाएंगे। तो मैंने लेफ्ट का फॉर्मूला लगाया और लेफ्ट से 4 डिजिट को अलग कर लिया, लेफ्ट फॉर्मूला लगाया, लेफ्ट से मैंने 4 डिजिट को अलग, 2019 साल। फिर मैंने यहां पे राइट का फॉर्मूला लगाया और राइट से मैंने 2 डिजिट, तो डेट 2 डिजिट की थी तो 2 डिजिट हमने अलग कर दिया, और फिर हमने मिड का फॉर्मूला लगाया और मिड में मैंने बोला कि भाई 5वें नंबर से 2 नंबर को उठा लो, अब 10 9 हुआ तो 0 9 होता था, तो 0 9 उठा लेगा, तो डिजिट मेंटेन होता था। यहां पे मैं डेट का फॉर्मूला लगाऊंगा और मैंने इसको ईयर दिया, मैंने इसको मंथ दिया और मैंने इसको डे दे दिया, डेट हमारा बन गया। अब हमने इसको अलग अलग लगाया है, हम इसको एक साथ भी लगा सकते हैं,
है बिलाल जी। तो ऐसी चीजें बहुत सारे हैं, जब आप कोर्स को स्टार्ट करेंगे तो हम आपको शुरू से सिखाएंगे। तो अगर आप कल से कोर्स स्टार्ट करना चाहें तो रात में 8 बजे 8 PM का बैच मंडे टू फ्राइडे मेरा स्टार्ट हो रहा है कल से, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। बिलाल जी एंड हर्षुद्दीन जी, ए टाइम सुटेबल है आपके लिए? यस सर, ठीक तो कल से 8 बजे कीजिए, शुरू से सीखिए, क्योंकि ये जो अभी चीजें मैंने बताई वो तो मैंने बीच बीच में से बता दिया कि आज आप आए तो कुछ तो सीख लें, लेकिन जब हम शुरू से स्टार्ट करेंगे तो चीज आपको डिटेल में सिखाएंगे, बेसिक टू एडवांस। और बेसिक टू एडवांस आपको सिखाएंगे, तो ये आपका एडवांस एक्सेल से स्टार्ट, लेवल 1 मेरे एडवांस एक्सेल से स्टार्ट, मंडे टू फ्राइडे आपकी 45 मिनट to 1 आवर की क्लास होगी। ड्यूरेशन एवरेज इसलिए है क्योंकि वो आपके क्वेश्चंस और टॉपिक पे डिपेंड करता है। लेकिन जैसे कि हसुद्दीन जी बात की, बोले थे तुमको वीवीए सिर्फ करना है, अगर आप सिर्फ वीवीए करते हैं तो आपको 10 से 20 के बीच में स्टार्ट होता है PM, मतलब कि नाइट में और मंडे टू फ्राइडे 40 मिनट के आसपास, सबसे लास्ट क्लास है तो 40 मिनट के आसपास क्लास रहेगी, 40 से 45 मिनट की क्लास होगा। तो अगर आप बीवीए करना चाहे तो एक हो सकते हैं, कंप्लीट कोर्स करना चाहे तो आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं मंडे टू फ्राइडे। फीस की बात रही तो कंप्लीट सिर्फ एडवांस सेक्शन करते हैं तो 7,500 है, कंप्लीट कोर्स करते हैं तो 3,000 है, इसी वीवीए करते हैं तो 10,000 पेमेंट का मोड आप लोग डिसाइड फोन करके बात कर लीजिएगा। और ये आपका रीज्वाइनिंग इसमें फ्री रहेगा, हर क्लासेस की वीडियो मिलेगी और एवरीथिंग इसमें आपको कवर होगा। ठीक है, तो हम मिलते हैं कल टाइम पे, टाइम की डिस्कस हुई है मुझे बता दीजिएगा कौन से ज्वाइन करना चाहते हैं। थैंक यू। गुड मॉर्निंग सर।